जो चूंकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है सीएम आवास के आसपास, तो 100 से लेकर 200 मीटर के आसपास का जो पूरा इलाका है अब उसे पूरी तरह से खाली किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही खबर आई ईडी की टीम के वहां पर पहुंचने की, लगातार तमाम बड़े नेताओं से लेकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो केजरीवाल के समर्थक है, वो वहां पर पहुंचना, वो जुटना वहां पर शुरू हो गए थे, और यही वजह है कि लंबा जाम वहां पर सड़क पर लगा हुआ है। और चूंकि अब अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो जाहिर है ईडी की टीम उन्हें लेकर यहां से निकलेगी, ईडी के दफ्तर ले जाएगी। अब अगली तो फिर वो पूरा रास्ता भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो तस्वीर है वो आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर होगी, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके वहां से ले जाएगी। बाहर एक राजनीतिक मैसेज, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से पहले से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आज ईडी की टीम पूरी तैयारी करके आई है, हाई कोर्ट से जैसे ही सिग्नल मिला ईडी की टीम को, आज ठीक शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। उसके बाद वो वहां पे जो घटनाक्रम हुआ एक के बाद, वो सबने देखा है किस तरह से हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचे, राजनीतिक प्रतिक्रियां वहां पर आ रही थी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई में यहां कह सकते हैं कि ईडी की टीम ने अपना एक्शन लेते हुए, पूरी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन